बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हम 9th क्लास बायोलॉजी बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में जो सेकंड टॉपिक है इसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले ना आपको ये कुछ टर्म्स में यहाँ पे बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है या क्या होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होती है, ये आपने याद रखना है, LEO, लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। LEO क्या चीज़ है बच्चों? लियो, लियो आपने याद रखना है, जहाँ पे भी आपने ये जहन में याद रखना है। LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, ओ से क्या, ऑक्सीडेशन। और जो गर, GER, गर होते हैं ना जो, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, और R से क्या, रिडक्शन। ठीक है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑपोजिट ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन मीन के इसमें ऑक्सीजन गेन हो रही है, और अगर ऑक्सीजन गेन होगी तो लाजमी सी बात है हाइड्रोजन क्या होगी, उधर से लॉस होगी। ठीक है, और अगर किसी रिएक्शन में हमने बात की कि रिडक्शन, डक्शन, ठीक है, उसमें लॉस ऑफ क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, और गेन ऑफ क्या होगी, हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपने पूरे का पूरा, अब इस जो जितने भी जो टर्म्स है ना, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, उसमें यही बताएगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या होगा। तो अब सबसे पहले हमने ये बच्चों देखना है कि हमारे पास ये वेरियस लाइफ प्रोसेस जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं वो कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी की वजह से होते हैं, और जो एनर्जी एनर्जी फ्लो है, ठीक है, उसमें कंप्राइजेज द एक्विजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द यूज ऑफ एनर्जी फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। एनर्जी हमें किस लिए चाहिए, ठीक है, वो बता रहा है कि आपको बेसिकली ग्रोथ के लिए चाहिए, मूवमेंट के लिए चाहिए, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। अब फिर आगे जो नेक्स्ट बात कर रहा है बच्चों के, फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। देखें, अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, यानी एक जगह पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो, और एट द सेम टाइम अगर आप बात करें कि दूसरी जगह पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो, किसी रिएक्शन में एक साइड पे लॉस हो रहा हो और दूसरी साइड पे गेन हो रहा हो, तो वो क्या चीज़ होगी, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अब फिर नीचे बता रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चीज होगा, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। यानी अगर किसी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है और उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहे हैं, तो वो क्या चीज है, रिडॉक्स रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन को मैंने आपको अलग बताया और फिर रिडक्शन को भी अलग बताया, ये सारा वन बाय वन में लाइन लाइन पढ़ाता जा रहा हूँ ताकि बच्चे जितने भी देख रहे हैं वो अच्छी तरह समझ सकें। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये ना इलेक्ट्रॉन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इंशाल्लाह हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम उसमें जी स्कीम पढ़ेंगे, या फिर वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। आपको पता है कि जो लाइट होती है, लाइट भी जलती है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होता है। ठीक है, बटन ऑन करते हैं, इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से फ्लो करते हैं कि फौरन से विद इन अ सेकंड के अंदर जो है ना आपकी लाइट ऑन हो जाती है। तो वो हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हमने बायोलॉजी को देखना है। तो बायोलॉजी में हमने क्या बात की कि इलेक्ट्रॉन जो है कैन बी सोर्स ऑफ एनर्जी है बच्चों, और इट डिपेंड अपॉन देयर लोकेशन। यहाँ पे आपको एक बात करनी है कि ये अगर कहता है कि एक हमारे पास एटम है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो है ना उसको एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, वो कितने, 8 है। ठीक है, 8 एटॉमिक नंबर है, ये मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। और ये जो है ना फर्स्ट शेल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकेंड शेल के अंदर कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले शेल के अंदर बच्चों क्या कहेंगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्सीजन के, दूसरे शेल के अंदर कितने आ जाएंगे, 6। और आपने ना इंशाल्लाह केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आपके ड्यूप्लेट और ऑक्टेट रूल। ड्यूप्लेट रूल का मतलब क्या है कि जिसने अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लेके आए, कोई भी ऐसा एटम जो अपने आखिरी शेल में हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले उसको हम क्या कहेंगे, ड्यूप्लेट रूल। और कोई भी ऐसा एटम जो अपने आखिरी शेल में नियरेस्ट नोबल गैस की, जो उसके करीब तरीन की नोबल गैस है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करे अदर देन हीलियम, दैट इज नोन एज, वो ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहा है, यानी अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखना है ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैसे ये चीजें साथ बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ भी आ जाए मजीद, कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दाखिल होंगे इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -2। तो अगर आपसे कोई पूछता है ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, कि वो वैलेंसी कितनी है, -2। -2 क्यों है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर आते हैं तो वो क्या हो जाता है बच्चों, माइनस होगा, और जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बाहर जाते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, जिस तरह मैग्नीशियम है, ठीक है, लिथियम है, उसकी वैलेंसी +1 है, क्योंकि उनसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है टू कम्प्लीट देयर
ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, ठीक है। तो ये तो चीजें साथ साथ आपको समझ आएंगी। इलेक्ट्रॉन कैन बी सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी का सोर्स है। इट डिपेंड अपॉन देयर लोकेशन एंड अरेंजमेंट व्हेन द दे आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन। अगर इलेक्ट्रॉन, अगर आपको ये एक एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, ये वैसे नेचर के अंदर एक नॉर्मल सी आपको एग्जांपल बता रहा है कि अगर ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ पे है, ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसको ड्रैग किया जाए, और ड्रैग करने के बाद ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दिया जाए, हाइड्रोजन को दिया जाए या कार्बन को दिया जाए, किसको दिया जाए, हाइड्रोजन या कार्बन को दिया जाए, तो ये वहां पे जाके अनस्टेबल एसोसिएशन बनाएगा। When it is present in oxygen, they make a stable association. यानी ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है, जब ऑक्सीजन के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो स्टेबल होगा, लेकिन अगर उसको ड्रैग करके, वैसे बता रहा है आपको कि हाइड्रोजन को दिया जाए या फिर कार्बन को दिया जाए, तो वो क्या करेगा, वहां पे अनस्टेबल एसोसिएशन बनेगा। यानी यहाँ पे ये रह नहीं सकता हाइड्रोजन या कार्बन के साथ, ये वापस किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन की तरफ, और जब ये वापस जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो दे रिलीज अ एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसकी एग्जांपल समझाने के लिए मैंने इतनी बातें की हैं और बुक में भी इतनी अजीब सी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर वो ऑक्सीजन में है तो वो तो स्टेबल रहेगा, ठीक है, कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, कोई एनर्जी गेन नहीं करेगा, लेकिन जब उसको रिमूव किया जाता है और कहाँ पे दिया जाता है, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन बेसिकली क्या चीज है, जब उससे ये अनस्टेबल एसोसिएशन बनाएगा, वापस इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। ये एक हो गया बच्चे एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रॉन कैसे एनर्जी सोर्स का जरिया है, ठीक है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, तो बेसिकली क्या करता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अच्छा, अब इससे पहले जो है ना, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वाली एग्जाम्पल दी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, अगर लॉस होता है या गेन होता है तो वो क्या चीज़ है, बेसिकली वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, यानी लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन होगी और अगर गेन होता है तो रिडक्शन होगी, और अगर दोनों एट द सेम टाइम होंगे तो दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंबाइन होंगे तो दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिडॉक्स रिएक्शन है, लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखें अगर किसी एटम से लॉस हो रहा है, देखें लॉस किस चीज़ का हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, और अगर किसी एटम में गेन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो वो क्या होगी, रिडक्शन होगी। यहाँ पे आपको ये भी एग्जांपल से समझाएगा, वी नो दैट हाइड्रोजन कंटेन अ वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन आपको पता है कि एक ऐसा एटम है, ठीक है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके वन एटॉमिक नंबर है, उसकी एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के जो बॉडी है, बॉडी कह लें आप, जो न्यूक्लियस है उसमें एक प्रोटॉन होता है और उसके जो शेल्स हैं उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, वी नो दैट हाइड्रोजन एटम कंटेन अ वन प्रोटॉन, यानी एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव पार्टिकल, व्हाइल द न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल। और अगर आपसे कोई पूछे एटम के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो आपने क्या कहना है, न्यूट्रल, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर बच्चों जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन, अगर यहाँ पे पांच प्रोटॉन है, किसी एटम के अंदर पांच प्रोटॉन है तो उसके अंदर पांच ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल, और न्यूट्रॉन तो वैसे ही न्यूट्रल है, तो एटम पे एज ए होल जो है वो न्यूट्रल चार्ज होता है। तो वी नो दैट हाइड्रोजन एटम कंटेन अ वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन, इट मीन दैट व्हेन वन मॉलिक्यूल लूजेज अ हाइड्रोजन, अगर कोई एटम हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो लाजमी सी बात है साथ में इलेक्ट्रॉन भी लूज हो रहे हैं, ठीक है, यानी हाइड्रोजन लूज होगा तो साफ सी बात है कि साथ में क्या चीज हो जाए बच्चे, लूज इलेक्ट्रॉन भी लूज हो रहे हैं, और अगर कोई एटम हाइड्रोजन गेन करता है तो साफ सी बात है साथ में इलेक्ट्रॉन भी वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। एंड सिमिलर व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन हाइड्रोजन, इट एक्चुअली गेन द इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज रिडक्शन। ये एक हमारा टॉपिक था बायोएनर्जेटिक्स का, काफी छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने काफी अच्छा करके समझा, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद जो आगे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट होगा वो एटीपी का स्ट्रक्चर और जितना भी फर्दर है वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।